मम्मी ये देखो काव्या, हम जा रहे हैं अभी राशन लेने। कैसा लग रहा है बाबू आपको यहाँ? कैसा करियो? आ गई हूँ मैं कंट्रोल बटे और ये मेरे जाल जब हेलो दगड़ियो, सबसे पहले आप सभी बड़ों को मेरा प्यार भरा पैलाग और छोटों को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। तो दोस्तों कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे और अपने घरों में सुरक्षित होंगे। तो दोस्तों ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है गनगड़ा बस्त से और बज रखे हैं अभी 7:51 हो रखे हैं। तो गाइज आज 8 बजने वाला है, हम अभी उठे थे 7:30 बजे गाइज। तो दगड़ियो अभी मैं बना रही हूँ चाय, गैस में बना रही हूँ चाय, नहीं तो हीटर में टाइम लग जाता है इसलिए गैस में बना रही हूँ जल्दी से चाय और फिर रोटी बनाती हूँ जल्दी से। तो गाइस पापा लोगों को दे के आती हूँ चाय, बन गई है मेरी चाय। मम्मी मम्मी ये मम्मी वीडियो बना रही हूँ। यहाँ देखो, यहाँ देखो, हमें व्लॉगिंग की शुरुआत कर लो। तो दोस्तों ये देखो काव्या, हम जा रहे हैं अभी राशन लेने और सुबह उसके बाद टाइम नहीं मिला और बनाए मैंने आलू के पराठे और सभी को खिलाए, फिर मुर्गियों का दाला बनाया। शुरुआत कर दी काबे बोलिए, शुरुआत कर दो, शुरुआत कर दी सुबह ही और फिर मुर्गियों का चारा बनाया, मुर्गियों को चारा देने गई और फिर आज वहाँ साफ भी करना था तो साफ आफ किया, फिर थोड़ी देर वहीं बैठे रह गई थी, कोई आई थी चाची उनके साथ बैठ गई वहीं पर, फिर अभी आई घर में, जल्दी से कट्टे ढूँढे और निकल पड़ी डूंगरी को, वो नीचे है गनगड़ा जिस साइड को है, उस साइड को सॉरी है, इस साइड को है, इस साइड को वो वाली सामने जो दिख रही है वो सॉरी है, हमारा ये इस साइड को है। मैं यहाँ जाना है गाइस, यहाँ जाना है, यहाँ जहाँ पे पेड़ दिख रहे हैं ना, इस यहाँ पे है डूंगरी, यहाँ पे जाना है राशन के लिए और यहाँ से आप लोग गनगड़ा का नज़ारा देखिए। और यहाँ है हमारा घर, ये पीपल का पेड़ है ना सामने वाला, इसके नीचे यहाँ से नहीं दिखेगा, ये सामने ये पूरी सॉरी है गाइस, मुर्गियों का खोड़ हमारा दिख रहा है। कैसा लग रहा है बाबू आपको यहाँ? कैसा? यहीं रहे फिर, यहीं रहे या वहाँ जाएं? बाजार रहे या यहाँ रहे? दोनों जगह रहते हैं। अच्छा काव्या को यहाँ अच्छा लग रहा है क्योंकि यहाँ उसको टीवी देखने को मिल रही है, इसलिए क्योंकि मार्केट में हमारे पास टीवी है नहीं, हो जाती बट मैंने रखी नहीं है क्योंकि अरे यहाँ पे 2-3 टीवियाँ हैं, दीवार टीवी भी है बट हमने पापा कहते ले जा करके बट मैं ले जा नहीं रही हूँ क्योंकि काव्या ना फिर उसमें ही चिपके रहेगी जैसे यहाँ चिपक रही है, यहाँ इसको पढ़ाई का भी कोई मतलब नहीं है गाइस। तो गाइस हस्बैंड जी का भी फ़ोन आ रहा है बार बार, पहले मैं उनसे बात कर लेती हूँ और अब मिलूँगी आपको नीचे आते टाइम, ठीक है? गड़ियों आ गई हूँ मैं कंट्रोल बटे और ये मेरे चाल 13 किलो और जो गेहूँ थे वो मैंने, कोई देवर जी आए थे ना स्कूटी लेके, मैंने बोला तुम ला देना क्योंकि यहाँ ना नीचे को मतलब पैर में कुनाना या उराल छे ईट मैं पकड़ दूँ नीट उराल छे कबीर, तो तय ऊपर मैं उन्हें दिया रही हूँ, ला दिया कबीर तो उन्हीं लुनेर छन और ये हन चू कल मेरो पहाड़ फूले बुरु
तो ते घड़ी पूछ गई हूँ घर और मैं बना डेरियो चाहिए एक तो भाड़ दो मैल पहले मु गाड़ो पुरसो और फिर दो भाण भितर आली से रहो छी छी बताया ना सुकनो तो मन झाड़ पा चाड़न छ तो गाय जल्दी जल्दी जाओ काम करो। तो दोस्तों गोबर भी निकाल दिया था और बर्तन भी धोए, उसके बाद मैंने अंदर झाड़ू लगाया, फिर नीचे कमरे में झाड़ू लगाया, फिर मैंने खल को नन्ना खल झाड़िया और फिर थोड़े बर्तन और थे वो भी धोए। और दगड़ियो बनू मरियो खानो और ये देखो खाने में मेरा क्या बन रहा है आज, ये है भट भट्टो साग से दगड़ियो भट पीस रही हूँ ना मिक्सी में, और ये मैं हल्दी डाली हूँ गोभी फूल गोभी डाली है इसमें गाइस, और सब तीरी में थोड़ा धूल बोट है और सब तीरी में भूट बैठ हल्ला ही देखो मुझे आलू खुशन सब तीर हल्ला अब यू पक मिलो और ये मैं पकन में अंदर आलू पराठ मेरे हो गए आलू के पराठे ये बना रही हूँ मैं देवर जी के लिए, सुबह ही मैंने आज आलू के पराठे बनाए थे और वो ना भात नहीं खा रहे हैं तो आलू के पराठे बना रही हूँ मैं गाइज। और ये रिच्चू भी है यहाँ पे आ गई है स्कूल से गाइज मुझे बारी है और मैं बना रही हूँ आलू के पराठे और ये तो इतना बड़ा बना रखा है ना मैंने अब मैं ही बना दी पहले मैंने बोला आलू बेचेंगे तो बनाऊँगी ऐसा बोल रही मेरे से। ये देखो बन गई मेरी बन गया मेरा पराठा गाइस, ये देखो खाते हो आ जाओ गाइस, लेकिन अभी मैं चूल्हे में नहीं बना रही हूँ देर हो रही है 2 बज गया गाइस 2। और देवर जी समोसे लाए थे हमने समोसे भी खाए गाइस, फोन ले पकड़ मैं बेचारी इंजेसमें की करूँ पे और वीडियो भी बनवाई हूँ। और तुम लोग इस हाकि लाइक ना करना सब्सक्राइब ना करना हैगिल करना पूछू ना मैं इतना रक्षा है अब थोड़ा हैगिल कर पूछाओ लाइक करो सब्सक्राइब करो शेयर करो जल्दी से जल्दी 400 तो बना दो जल्दी एक दूसरे को शेयर करो तभी तो जल्दी जल्दी 400 होंगे ना मेरे 400 भी हो जाते तो मैं इतनी अरमान लगाए रहती हूँ फिर 500 प्लीज़ यार सपोर्ट कर दो ना यार जल्दी जल्दी सपोर्ट करो कब से 3 महीने हो कम्प्लीट हो चुके हैं मुझे। तो दगड़ियो खम रही हूँ मैं भात ये देखो बतेली में आज भट का साग इतने दिनों में बनाया बहुत अच्छा लग रहा है गाइस और मैं खा रही हूँ बतेली में इतना अच्छा रहा है क्या ही बताओ बतेली का दिखा अब अपन लेके आएगा गाइस अभी हम बना रहे हैं चूक क्या कह रही थी तो मेरे से इसमें व्लॉग में मम्मी को जी रात का देख जा मम्मी ना वहाँ बहुत कोमल लगी है ये देखो ड्राइवर जी तेरे तो हमें सब रात का देख जा मुँह से भी बोल फिर ऐसे मेरी मजाक उड़ा रही है बोल बोल मजाक उड़ा रही है ये मेरी दीदी तो गाइस यहाँ बंदर रुका ये देख रहे हो ये छत में ये देख सकते हो आप ये देख रहे हो क्या खा रहा है पता नहीं ओ यही काल शांस है दगड़ियो वहीं चाहो गामक कस आ रहे हो पहले ना हम पूरा जन्म यहाँ गाम तब नहीं हिंद जेतर हम यहाँ जने भी पूर दे चुली वहाँ पूजो उनखिन पोर्सो ये हमारा घर यहाँ पे देवर जी बैठे हैं छत में ये दिख रहा होगा गाड़ी में आ गए हम लोग तो ले आल आप घर में गाड़ी में चाहो दे यहाँ से घर में तो घर लगा यहाँ से बोले ना तो गाड़ी नंतीन बन नहीं हो इल्ला इल्ला गाड़ में घूमो मैं हम तो गड़ियो
तो दगड़ी वो खाना खा लिया है हमने, और यहाँ वीडियो जाने में प्रॉब्लम हो रही है, थोड़ा नेट का प्रॉब्लम है। और ये काव्या सो रखी है, और वहाँ पे रितु, और एक ये ढाड़ी फोन के चक्कर में यहाँ सोते हैं गाइस ये लोग, क्योंकि इनको रील देखनी होती है। तो दोस्तों खाना खा लिया है हमने, और आज का ब्लॉग भी इतना ही रखते हैं। आई होप कि आपको अच्छा लगेगा, अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करिए। मैं तारा मिलती हूँ आपको अगर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। बाय दगड़ियों, जय माता दी, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।